हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मौर्या और आप देख रहे हैं आरके पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। खरगोश बच्चे के देने के बाद खा क्यों जाती है? दोस्तों, ये सुनकर आप शॉक्ड हो सकते हैं, तो चलिए आज हम इसी बात पर करेंगे चर्चा। तो गाइज, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपके लिए खरगोश से जुड़ी अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रीजन नंबर वन, खरगोश कभी कभी मरा हुआ बच्चा भी जन्म देता है। जो मरा हुआ बच्चा होता है उस बच्चे से गंदी स्मेल ना आ जाए, इसलिए वो बच्चों को खा जाती है। ख़ास तौर पर ये उस गंदी स्मेल से उसके जो जीवित बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और उस स्मेल से कोई जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली आदि उसको या उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ये सोचकर भी वो मरे हुए बच्चे को खा जाती है। अब दोस्तों, रीजन नंबर टू, जब मादा खरगोश डरावने माहौल में रहती है तब भी वो अपने बच्चों को खा जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो खरगोश के अलावा और भी पेट्स घर में रखते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली, जो जहाँ खरगोश रखा है उसके केज के आसपास, पिंजरे के आसपास घूमते रहते हैं या भौंकते रहते हैं, और खरगोश बच्चे देने की पोजीशन में रहती है तो डरी हुई होती है, माहौल महसूस करती है, उसे लगता है कि उसके बच्चे को कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों से खतरा है, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या खा जाएंगे, तो इसी के कारण वो अपने बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद खा जाती है। रीजन नंबर थ्री, जब खरगोश को लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए दूध नहीं जनरेट कर पाऊँगी या मुझे तो दूध होता ही नहीं है, तो इसी उधेड़ बुन में भी वो अपने बच्चों को खा जाती है। रीजन नंबर फोर, कभी कभी जो मादा खरगोश पहली बार बच्चे को जन्म देती है वो बिना कारण के भी अपने बच्चों को खा जाती है, क्योंकि उसने इतने छोटे बच्चे कभी देखे नहीं होते हैं। रीजन नंबर फाइव, दोस्तों बहुत सारी फीमेल रैबिट अच्छी माँ नहीं होती हैं, वो बच्चों को जन्म देने के बाद काफ़ी थक जाती हैं और अपने आप को ज़्यादा तकलीफ में होने का कारण बच्चों को मान लेती हैं, ऐसे में भी वो बच्चों को खा जाती हैं। तो दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए आपको सबसे पहले फीमेल प्रेग्नेंट रैबिट का केज या पिंजरा आप जहां जिसमें भी रखते हैं उसको प्रेगनेंसी टाइम में एकांत में रखें, जहां और कोई दूसरा जानवर कुत्ता बिल्ली आदि आता जाता ना हो, वहां डरावना माहौल ना पैदा हो, और आप उसके फीड का खास ख्याल रखें, उसके खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखें, और जब मादा रैबिट बच्चे जन्म दे तो आप उनमें से मरे हुए बच्चों को तुरंत अलग कर दें, जिससे वो खा ना सके, नहीं तो वो बार बार बच्चों को खाने की आदी हो जाएगी, और अगर उसे मरा बच्चा नहीं मिला तो जीवित बच्चे को भी खा सकती है। और बच्चे देते समय आप ज़्यादा केयर करें, उसकी ज़्यादा देखभाल करें, जिससे भी इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक सी चीज़ें। अगर आपकी मादा खरगोश ऐसा करती है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इन बातों को फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम इससे आपको नहीं होगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने रैबिट के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद।